ओके सर। सबका आदाब। आज साउथ जोन का फरकनामा डिवीजन पे एक रौडी काउंसिलिंग सेशन रखा था, जिसमें हमारा एडिशनल डी सी पी साहब और ए सी पी फरकनामा और सारे इंस्पेक्टर फरकनामा डिवीजन का शामिल थे, और जो रौडी एडमिट थे उनको बुला के काउंसिलिंग किया गया ताकि आने वाले इलेक्शन पे ज़्यादा उन लोगों पर थोड़ा निगरानी होगा, ताकि इलेक्शन पीसफुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन रहने के लिए जो लॉ ऑर्डर इश्यूज या कोई भी कर सकते हैं उनको पहले हम बुला के बाइंड ओवर कर रहे हैं। उसी के प्रोसेस में हम लोग आज यहाँ पे रौडी कंसल्टेशन बुलाया और सबको काउंसिल किया कि अच्छे से रहें और इलेक्शंस पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट करें, और उन लोग का भी बोला कि जो मैसेज है सबको पास ऑन करने के लिए कोई भी एक्टिविटी लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करते हुए या कोई बॉडी अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये मैसेज सबको इन लोग के थ्रू देना चाह रहे थे, और इन्हीं लोग को ये भी काउंसिल दिया कि अच्छे से रहेंगे और उन लोग का जो रौडी एक्टिविटीज बंद करके अच्छे सोसाइटी के पीस के लिए काम करेंगे तो उन लोगों पर जो भी शीट्स है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम निकाल हटा देंगे, और मीडिया वालों को मीडिया दोस्तों के थ्रू हम सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये इलेक्शंस 5 साल पे एक बार आते जो हमारा असेंबली इलेक्शन है, सभी लोग आके फ्रीली वोट आके अपना फ्रीली अपना वोट कास्ट करें, और साथ साथ कोई भी एलिमेंट आपको डरा रहे या आपको वैसे इंफॉर्मेशन है किसी को डरा रहे प्लीज़ लोकल पुलिस स्टेशन में पहचान कर लीजिए ताकि उनके ऊपर सख्त एक्शन। सर कितने रौडी शीटर्स थे आज? तकरीबन 50 रौडी शीटर्स इसमें बुला चुका हूँ। थैंक यू। Bende.